हेलो दोस्तों, मैं हूँ फहीम और आज इस खूबसूरत मौसम में बारिश पड़ रही है। आप मेरे जिस्म पे बूंदे पड़ते हुए देख सकते होंगे, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। मैं सबसे पहले तुमको बताता हूँ कि देखो यहाँ पर कितनी हरियाली है। एक्चुअली मैं बारिश में नहाने वाला नहीं था, मेरा लेक्चर का भी टाइम था, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ के मैं आया और इस खूबसूरत मौसम में हरे हरी जगह है यहाँ पर सब, और इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इस वजह से मैं यहाँ पर नहाने आ गया हूँ। देखो कितनी हरियाली है और कितनी अच्छी बारिश हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर नहाने में। और गांव में ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता, मुझे भी बहुत टाइम के बाद मिला है। कोरोना वायरस की वजह से मैं यहाँ पर आया था फिलहाल मेरे कॉलेज टाइम के हिसाब से, बट अभी बहुत मज़ा आ रहा है और इतना अच्छा लग रहा है इस खुली जगह पर नहाने में, बहुत बढ़िया। साइकिल चलाने में यहाँ पर ब्रेक नहीं है। मौसम और बारिश, हम लास्ट टाइम बारिश में मछलियाँ पकड़ने गए थे, ये टाइम पर भी प्लान बना रहा था लेकिन सोचने से पहले ही बंद कर दिया। एक भी मछली अपने हाथ में आती नहीं है, ये पहले से रिकॉर्ड है हमारे यहाँ का कि हमको मछलियाँ नहीं मिलती है। और ये जो गांव की चीज़ होती है, ये ही यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि इतना रिलैक्सेशन होता है कि जो शहर के लोगों को मेडिटेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, योगा करने की ज़रूरत पड़ती है, उसकी ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। क्योंकि तुम लोग देख रहे होंगे यार कि कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, जहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है ऑक्सीजन की या किसी दूसरी चीज़ की, मतलब एक अच्छी हेल्थ रहती है बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट।
कि ये जो यहाँ से आपको ग्रीनरी दिख रही है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो एक मेडिसिन का काम करती है। मतलब गांव के बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हमेशा बाहर नहीं जाते मेडिसिन लेने के लिए, या जो जंगल में काम करते हैं वो यहीं से, जैसे कि किसी का हाथ कट गया, कुछ हो गया, तो इन घास के अंदर से कुछ निकाल के उसका इलाज कर लेते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, मेरे बड़े भाई वहाँ से एक दवा लेके आए हैं। दवा नहीं, एक्चुअली तुम इसको बेल देखो, मैं तुमको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये तो ये जो चीज़ है आपके सामने, मैं आपको सिर्फ दिखाने की वजह से भेजा था, इसको ग्लो बोलते हैं। अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो इसका आपको सिरप भी मिल जाएगा ग्लो का। तो इसके पत्तों के थ्रू बनाया हुआ रस बुखार में, टाइफाइड में, जो इसकी डंडी है ये बहुत काम आती है, बहुत यूजफुल है। मैं आपको थोड़ा इसको नीचे से भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ऐसा दिख रहा है। तो ये जो ग्लो इन्होंने तोड़ी है, ये जो आपको सामने दिख रही है, जो इन्होंने निकाली है, बहुत यूजफुल है। और ये तो एक ऐसी एक चीज़ है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जिनको आप जड़ी बूटियाँ बोल सकते हो, और जिनको मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कौन सी चीज़ किस काम में आती है। बस आप समझ लीजिए, ऐसी बहुत सी चीज़ है जिसकी हमको नॉलेज नहीं है, लेकिन बहुत वो यूज़फुल है। तुम लोग हमेशा सोचते हैं फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, कितना फ्रेश। अब इससे ज़्यादा फ्रेश वाटर कुछ भी नहीं हो सकता है। ये हैंडपम्प है जो समर सेविल के थ्रू है, मतलब बहुत गहराई से पानी निकाला गया हुआ है, और एकदम जमीन के अंदर का ताज़ा और एकदम फ्रेश वाटर यहाँ पर लोग यूज़ करते हैं, और एकदम बेहतरीन खूबसूरत वाटर है। और यहाँ पर देखते हैं, बहुत बढ़िया पानी, एकदम साफ सुथरा। ये रोड पे जो मैं चल रहा हूँ फिलहाल, इधर कोटद्वार, मतलब आप उत्तराखंड में बहुत जल्दी पहुंच सकते हो, करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और बहुत खूबसूरत रोड बनाया गया है।